सिराज, एक चीज जानना चाहूंगा कि पहले तो एक फीलिंग जो होती है एक 5 विकेट लेने का, लेकिन आप पे जो गुजरा है पिछले 1.5 महीने से और उसके बाद ये जो मिलता है तो कैसा लगता है? मतलब सबको पता है कि तो आप इमोशनल भी हो, आप आपके इमोशन दिखता भी है, तो ये जो दौर गुजरा है डैड का डेथ, उसके बाद यहाँ पे रहना और वहां से ये हार्ड वर्क सीनियर पेसर्स को लूज करना, तो जरा हमें बताइए पूरा फीलिंग कैसा है ये? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मुझे मौका मिला इंडियन टीम में। और जैसे डैड की ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया के लिए खेलना, मेरे बेटे का मैच पूरी दुनिया देखना, तो काश वो आज मेरे साथ रहते तो वो बहुत ही खुश रहते थे। बट उनकी दुआ थी जो आज मैं 5 विकेट लिया। मैं बहुत मतलब स्पीचलेस हूँ मैं ये परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब कुछ बोल नहीं सकता। सिराज, आपने पूरे सीरीज में 134 से ऊपर ओवर डाले, 134 पॉइंट। पैट कमिंस और नेथन लियॉन सबसे ज्यादा ओवर, कल हो सकता है हेजलवुड और स्टार्क सारे डाल दें, लेकिन 134 पॉइंट ओवर भी डाल सकते हैं। एक तो अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, और ये कि आने वाले टाइम में आप टॉप लेवल क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, तो उस वो वहां फिटनेस मेंटेन करने कितना बड़ा चैलेंज होगा फिटनेस मेंटेन करना? सबसे पहले तो मैं थैंक यू सोहम भाई को करूंगा जो मेरे लिए प्रोग्राम बनाए, मतलब जो मेरे लिए पीछे थे हर चीज में, ट्रेनिंग में, और जो मेरे प्रोटीन जो सब उन्होंने जो मेरे लिए पीछे रखे जो काम किया है, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और जो ट्रेनिंग है, फिटनेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं लॉकडाउन से करते आ रहा हूँ। लॉकडाउन से वो मेरे साथ है सोहम भाई, जो के मुझे हर प्रोग्राम भेजते थे, मैं वो फॉलो करता था। अभी जब पता चल रहा है कि फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में, और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में बहुत इम्पोर्टेंट है फिटनेस। भरत थैंक्स मोलन। सिराज, ये आपका तीसरा ही टेस्ट मैच है, लेकिन आप सबसे सीनियर मोस्ट बॉलर थे, और यू नो आपने देखा कि आप नटराजन से काफी बात कर रहे थे, और कैसा लगा यार आप इतना प्रेशर कि आप न्यू बॉल ले रहे हो, आप सीनियर बॉलर हो, आपको लगा आप सीनियर बॉलर? सीनियर बॉलर तो नहीं, बट मुझे जितने मैं इंडिया के लिए खेला और डोमेस्टिक खेला, बट मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ वो मैचेस खेल के, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट मिला। और जैसे ये मैच में जैसी भी नहीं थे, बहुत ही मिस किया मैं उनको, बट वो नहीं थे तो मुझे ही मतलब सीनियर बॉलर ही बोल रहे थे, तो मैं ही वो चीज के ऊपर खड़ा रहा। और मेरा यही काम था कि बस मैं प्रेशर बिल्ड करूँ, मेरा वही काम था कि मैं प्रेशर बिल्ड करते जाऊँ और ज्यादा ट्राई ना करूँ तो अच्छा रहेगा टीम के लिए और मेरे लिए। अनुज मिश्रा फॉलोड बाय अमित मुखर्जी। राज, हमने देखा कि आपके आपने भी बताया भी आपके साथ क्या क्या हुआ था, और वो सब बहुत ही मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप इस विकेट पांच इस ग्राउंड पे 5 विकेट लेना, क्या ये बेस्ट जवाब था? और अगर इंडिया कल जाती है DA 5 में, तो क्या इंडिया विन के लिए जाएगी, ये ध्यान रखते हुए कि 10 विकेट उनके हाथ में है? अब मैं तो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे 5 विकेट मिला, और ये मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था कि डैड का हुआ, और फिर मुझे मैं घर पे भी बात किया तो बहुत मुझे स्ट्रांग फील हुआ, बहुत कि घर पे बात करने से, मॉम से बात करने से वो मुझे स्ट्रांग फीलिंग देते गए, और मैं भी मेंटली बहुत ही स्ट्रांग था ये चीज से। तो मेरा फोकस था कि बस जो डैड की ख्वाहिश थी वही पूरी करना था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हुई। देखते हैं कल क्या है, डिपेंड ऑन। प्रशांत मैन, सॉरी अमित मुखर्जी फॉलोड बाय प्रशांत मैन। अमिताभ फ्रॉम क्रिक व्यू। सिराज, बधाई आपके 5 विकेट के लिए। पहले मैं ये पूछूंगा कि ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन के खिलाफ आपने बॉल किए हैं, किन किन बैट्समैन को थोड़ा मुश्किल हुए हैं, जैसे स्मिथ लैबुशेन, वन वार्नर, किन किन बैट्समैन को आपको थोड़ा मुश्किल हुआ बॉल करने में? हाँ, लबुशेन जैसे बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, जैसे इंडिया में भी खेले हम लबुशेन के साथ, बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे। अभी यहाँ पर आके मतलब वो उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब डिफिकल्ट तो है उनके लिए डालने, बट हमारा एक ही काम है कि बस प्रेशर बिल्ड करे, एक जगह डालते गए, तो वही हेल्पफुल हुआ मेरे लिए भी और टीम के लिए भी। प्रशांत सिराज, आपने बहुत काम किया है भरत अरुण के साथ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जब आए थे आप, अभी आप इंडिया का बोलिंग कोच है, तो आपको भरत अरुण क्या क्या बोलते हैं,
क्या क्या सीखा है आपने, क्या क्या फोकस रहा है, उनने क्या क्या बोला है? बस भरत अरुण सर यही बोलते हैं, जो तू डोमेस्टिक में कर गया और जो इंडिया में किया, यहाँ पर कुछ अलग नहीं करना है, बस सेम बेसिक्स ही है, फर्स्ट बेसिक्स ही करना है इधर। अरे यहाँ ना एक्सपीरियंस है ना कुछ नहीं, बस तू बेसिक्स करेगा तो तुझे ऑटोमेटिकली विकेट मिलेगी। तू ना ट्राई करना कुछ, बस एक जगह आके डाल, प्रेशर बिल्ड कर, खुद ब खुद ही तुझे विकेट मिलेगी। और वो कॉन्फिडेंट उनका बोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसा रणजी ट्रॉफी भी हमारे साथ थे यही सेम चीज बोलते थे, आज भी वो मेरे साथ है, सेम चीज है, मतलब वो कॉन्फिडेंट ही देते, अंदर से एक बूस्ट मिलता है वो बात करते, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंट देते हैं। सोम शर्मा। हाय सिराज, कांग्रेचुलेशंस। माय क्वेश्चन इज कि तुम जब बाउंसर डालते हो किसी को, आज आपने दो बाउंसर डाले, शॉर्टर बॉल डाले स्मिथ और लागुशाने को, और पहले हमने देखा है कैसे आपने बॉल को पिच अप करके वार्नर को आउट किया है, गेटिंग अ निक इन द स्लिप। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस टाइम क्या लेंथ डालना है किस बैट्समैन को, और हम बात कर रहे हैं इतने बड़े बैट्समैन स्मिथ, इतना बड़ा बैट्समैन है, सो आप कैसे ये डिसाइड करते हो कि मुझे अभी शॉर्ट डालना है कि अभी थोड़ा बॉल पिच अप करना है? पहले बैट्समैन को सेट करा जाता है कि पहले बैट्समैन को कभी इन स्विंग डालते 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 एक बॉल बाहर डालेंगे, तो वो पहले बैट्समैन को सेट करेंगे, फिर उसके बाद अपन, अब समझो एक दो ओवर डाल दिए अपन एक ही एरिया पे और वही सेम चैनल पे, फिर उसके बाद अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि अरे ये बॉल डाल भी सकता है। ऑन द फील्ड तो हमने आपको देखा था, लेकिन ऑफ द फील्ड ये टीम के साथ कोई बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट या भावुक मूवमेंट कुछ हुआ अभी तक इस सीरीज के दौरान ऑफ द फील्ड आपके टीममेट्स के साथ? सबसे प्यारा मूवमेंट, भावुक मूवमेंट क्या रहेगा आपको? अभी क्या है बबल में, क्या प्यारा मूवमेंट रहेंगे बबल कुछ भी ऐसा कोई टीम बॉन्डिंग टाइप टीम मॉर्निंग, जैसे हम लोग डिनर में जाते हैं तो टीटी खेलते हैं, बस वहां पर ही एंजॉय कर लेते हैं रूम पे और टीम डिनर में, बस वहां पर ही और कुछ नहीं। जी एहतेशाम जी। थैंक यू मोलन। सिराज आपको सब किसका विकेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा पूरी सीरीज में? पूरी सीरीज में जैसे अब तो उनकी विकेट भी लेना मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात है, और मानस की भी विकेट, मानस को तो दो बार आउट किया, मतलब ये इनिंग में जो मानस को आउट किया वो मेरे लिए भी कॉन्फिडेंट की बात है वो। यस अमला। सिराज आज हमने देखा है कि कुछ बॉल क्रैक्स पे गिर के प्रदीप सब बिहेव किया, तो आपको लगता है कल इंडिया जब बैट करेगा तो थोड़ा डर है कि वो क्रैक्स इंडियन बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल कर सकता है? अब जैसे बॉलिंग करेंगे ऑब्वियसली बैट्समैन के लिए तो थोड़ा कंफ्यूजन ही रहेगा, वो माइंड में रहेगा कि क्रैक है, बट हमारे बैट्समैन भी अच्छे प्रिपेयर है वो चीज के लिए कि ये है बोल के, मतलब कल ही पता चलेगा। Yes, Bharat. सिराज हमने सुना कि आप अपना बैटिंग पे बहुत काम कर रहे हो, कल कुछ बैटिंग करने का इरादा है? बैटिंग जैसा मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली बैटिंग करेंगे, और हमारा तो मोमेंट यही कि बस जीतना है ये सीरीज, क्योंकि इतने इंजुरीज के बाद अब हमारी टीम में इतने इंजुरीज हुए और फिर भी हमारी टीम जो फाइट करी है फर्स्ट इनिंग में, बहुत ही मतलब फ्रॉड की बात है, जो भी यंगस्टर को मौका मिल रहा है जैसे शार्दुल हो गया, वॉशिंगटन हो गया, नटराजन हो गया, वो जैसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ग्रैब कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बैकअप के लिए भी अच्छा है वो चीज़ कह रहे, यंगस्टर अभी है अपने पास के वो परफॉर्मेंस कर रहे। स्पेशली थैंक बोलूंगा मैं अपने अजिंक्य रहाणे जो
यंगस्टर के ऊपर भरोसा किए वो चीज, और मेरे को भी जो भरोसा कर रहे थे वो हर बार मुझे मुझसे बात कर रहे थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट मिला था